ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती पब्लिक, अचानक होगी टट्टों में खारिश, यहाँ पर हमें कटने पड़ी खारिश। एनीवेज भाई, आज हम सुनने वाले हैं फादी का एक ट्रैक जो के है टू गुड हंटर, और मुझे जहां तक पता चला ये एक तरह से डिस ट्रैक है और उसमें शॉट लिए गए हैं, और ये इसलिए मुझे पता चला क्योंकि तुम लोग मैसेज बहुत ज्यादा कर रहे थे। सीधी सीधी बात है, अब झूठ बोलूं, साथ है बॉबी राजा। तो ये चीज़ अच्छी की है कि फादी ने अपना खाना खुद ही नहीं फेंका, साथ बॉबी राजा को भी रख रहा, क्योंकि इससे बॉबी राजा को जो भी आर्टिस्ट है ये उसको अप्रोच मिलेगी। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर मैं ये बोल दूं कि उसको अप्रोच मिलेगी, क्योंकि यार मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, और हिप हॉप से इससे प्रमोट। भाई मेरे सामने BMW नजर आ रही है। तो खैर माजी म्यूजिक और स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग, और ये वीडियो है बाबा जी। यस कमांडो, 6 मिनट 33 सेकंड का गाना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अमर जाकर बहुत याद आता है भाई, सीधी बात है, तुम लोग जो मर्जी उसको बोलो, उसकी बुड्ढी ने उसके एल लगा दिए, लेकिन बड़ा बुरी तरह बेचारे की मौत हुई, और अल्लाह उसका वो जान अच्छा करे। मैं भाई ये नहीं कि वो फोत हो गया इसलिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो वाकई में मतलब शुगल मेला उस बंदे का था भाई, शुगल उसे लगाया हुआ। खैर प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। सबसे पहले उनका शुक्रिया जो पहले दिन से साथ हैं, जिन्हें शुरू से लगता था मेरे में कोई बात है, मेहनत की मैंने सालों, तभी हुए लाख पूरे, और एक तू है जिसे शोरत थी मिली रातों रात है, चोरी तभी छाती आवा मेरी जाती होती, किसी की बदौलत फिर जासी ना आती, लोगों को छोड़ तू भी अब कलम को वक्त है, मेरा माना जैसा ना बेहतरीन साथी, ऐसे आगे ना बढ़ेगा अगर लोगों से सड़ेगा। ए मैं पीछे दे रहा, अरे ब्रो ड्रिल पे, अच्छा अगर बंदे को पकड़ा भी ना जाए ना तो बेसिकली पीछे तुम्हें ट्रैक में था, इसमें था ना रस मिलियन भी था ना, ये वही है ना ट्रैक, मुझे नाम भूल गया इसका, ये गाने का नाम नहीं दोस्ती का बुरा हाल देखा, हुई हैरत मुझे मेरी हमें हाँ मिलाने वाले, पहली दफा मैंने तेरे लबों पे सवाल देखा, सोचे सबसे मुख्तलिफ है माइंड सेट ही अलग। आई थिंक इसमें अभी तक जितना ही मैंने देखा यार, मैं कितना अजीब सा लग रहा हूँ, ऐसे लग रहा हूँ जैसे पता नहीं कितनी मैं राज्य के टुन होके आया हूँ। तो भाई आई फ्लू तुम लोगों को पता है, पहुँच गया अभी तो तुम लोगों को समझ आया कि कोयटा चाय वालों की तरफ जब भी मैं जाता हूँ ना माचो, ये मेरे दोस्त ने मुझे कहा मेरी आंखों में है, उसने ऐसा करके लगा दिया और मैंने आंखों में मल दी, भाई लोड़े लग गए उसके बाद। खैर तो अभी तक मुझे फादी की जितना भी मैंने लाइन सुनी इसके अंदर सिर्फ ये वो बताना इस वक्त तक क्लियर किया उसने कि अगर मैं गलत रहूँ तो ये बोल जानी को अभी फिलहाल जितना मुझे समझ आया, क्योंकि बैक टू द बिजनेस में मेरे ख्याल से बोल जानी ने इस पर शॉट लिए थे। तो तुम्हें बनी बनाई मिली है, मतलब मैंने लाख बनाए या ये बनाया वो बनाया, मैंने रगड़ी है, और उसके अंदर हम्बलनेस नज़र आ रही है इस वर्ष के अंदर, इस तरह से कि हम मिलते हैं और हम सखी हैं और ये फलाना ढमकाना है वो इसलिए हैं क्योंकि हमने ईंट ईंट जोड़ कर बनाया। तो ज़ाहरी बात है ऑब्वियसली इसमें कोई मतलब फादी को भी अगर तला जम का कोलेबोरेशन आ जाता तो उसको एक हाइप जल्दी मिल जाती है, और जिसको हाइप कंट्रोल नहीं करनी आती वो थोड़ा आप पे बाहर हो जाता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि तुम लोगों को हाइप मिल गई एकदम, तो तुम आपको बाहर आप पे से बाहर हो रहे हो। फर्क बिल्कुल वाजिया, जमीन ये हम पलक, स्क्वाड में अपने तो सारे ही शार्प शूटर, एम लेते वक्त कोई चपकाता नहीं है पलक, ताकत इनके पलटे हैं गरजते हम बरसते वास्ता न तरसे, हरी तर से तड़पते भागे सब एक झलक से, करे तो भाई जो भड़कते हम लाहौनार तरफ से, और जल्दी होंगे घर के अकेला ही तबाह करूं मैं पूरा इनका लश्करी, लगा देता लोड़े में बोल मुझे लश्करी, कुछ सालों में पास होगी गाड़ी लश्करी, केले ही लगा देता। अबे लश्करी मैं गलत ले रहा हूँ, एक तो लश्कर ही हो गया ना, दूसरा लश्करी मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ, अब दूसरा मुझे नहीं पता क्या है। खैर लश्करी लगा देता लोड़े में बोल मुझे लश्करी, कुछ सालों में पास होगी गाड़ी लश्करी, गैंगस्टर बने लश्करी लश्करी लश्करी
की हथकड़ी फट पड़ी। नो बात चीख रही माइक पे रांडे, ये तब कहां थे जब तिमारी कांडे। बिना असल के बना तू, एवरीबॉडी नोज ये फैक्ट। तू पॉप की ननिया पांडे, ऐसा बहनो भाई तू सीन जेनोसाइड। बेशक टेना साइड स्टिल जीतू फाइट पिच व्हेन आई बाइट। जेनोसाइड किसका गाना था? फादी का था, उमर अंजुम का था यार। जेनोसाइड वैसे किसी का गाना था ना, किसका था? तो भाई जो भड़कते हमला हो नार तरफ से और जल्दी होंगे घर के। अकेला ही तबाह करूं मैं पूरा इनका लश्करी, लगा देता लोड़े में बोल मुझे लश्करी। कुछ सालों में पास होगी गाड़ी लश्करी। गैंगस्टर बने ये देखी हथकड़ी फट पड़ी। नो बात चीख रही माइक पे रांडे, ये तब कहां थे जब थी मारी कांडे। बिना असल के बना तू, एवरीबॉडी नोज ये फैक्ट। तू पॉप की ननिया पांडे, ऐसा बहनो भाई तू सीन जेनोसाइड। बेशक टेना साइड स्टिल जीतू फाइट पिच व्हेन आई बाइट। हाफ करूं हाइट, मुझे लिया लाइट, अब हालत टाइट। बदल गया अकल से शरक की शक्ल के, औरों का पकड़ के ये मुझसे अकड़ते। हम घरों में बढ़ते करते हम घरों में बढ़ते। और कभी ना डरते हो जाते जब पर्चे ये पैरों में पड़ते। आई स्वेयर टू गॉड मुझे थॉट सारे टीप गल से। हर लफ्ज थप्पड़ की माने, दुश्मन सारे चीख पड़ते। मैक्स पेन दूंगा मैं, यू बेटर स्टे अवे। You need sense of being, तुम हमेशा वीक पड़ते। नहीं समझाई ये बात, नहीं आई समझ, झूठ क्यों बोलूं? I'm gone, मेरे बिना होगा वैक्सीन। They gonna diss me जब आएंगे मेरे ट्रैक्स। नहीं I go hard in the booth, करता रिलैक्स नहीं मैं ruthless खाली। So basically फादी का ये कमबैक नहीं है, अगर मैं गलत ना हूं तो, क्योंकि आई थिंक क्योंकि जब रिटायरमेंट बोल दे या जो भी उसकी लॉजिक थी उसके हिसाब से उसे रैप छोड़ा था। तो उसके बाद उसने खुद ही बोला कि जब मैं नहीं हूँ तो मेरे गैर मौजूदगी में मेरे पे शोर ले रहे हैं। और वही बोला कि जब मैं जब ट्वीट खोल रहा था तो जब तुम लोग जवाब नहीं दे रहे थे तो आई थिंक ये सिर्फ डिस ट्रैक के लिए है जो इसके ऊपर बिना मतलब मेरी गैर हाजिरी में जो ये किया लग रही है उसको क्लियर करने आए थे। करूं पूरी वैक्सीन। तू रिस्क लेगा तो रिस्क आएगा, तू लेके देख फर्क देख जा। बट एक उमर अंजुम का गाना था, उमर अंजुम था स्टेज पे या कुछ था जब ये किसी और की ऑडियंस थी। अच्छा मुझे नहीं पता ये किसको अब शॉट ले रहा है, बट मुझे याद पड़ रहा है शायद उमर अंजुम ही था जो जिसकी स्टेज पे। अच्छा ये उमर अंजुम को भी पेल रहा है बीच में, मतलब अगर मैं गलत ना हूँ, क्योंकि उसकी थी ऑडियंस जब कुछ और फैंस आई थिंक तला अंजुम के लिए लोग आए थे। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे किसी पे यकीन नहीं। तब ऐसे कह सकता बाकी रहा नहीं शकअप। ये टिली छोड़ के जब मैंने कॉल दी थी शटअप। ना छीन सकती मैं ना तेरी ना ही तेरी लकब। अवाम दे चुकी है फखरे बिंडी का ही लकब। मैं नहीं रस पर मिलियंस में होंगे व्यूज भी, हर दिन होगा वीकेंड। सो रस तुम्हें जानते हो, हमारे पास अगर रस है तो उनके पास अगर रस था तो हमारे पास सिकंदर कालो। आई थिंक सिकंदर कालो और रस दोनों एक इस मायने से कंपैरिजन है क्योंकि दोनों ने बहुत गाने भेंगे हैं, मतलब अल्टीमेट इतना भयंकरना गाना जिसकी गर्द नहीं। और इन दोनों को अब सिकंदर कालो को उतना व्यूज नहीं आता बट आएगा उसका, क्योंकि मेरे ख्याल से 21-22 तो या 15-16 तो एल्बम वो बना चुका हुआ है। तो उस हिसाब से वो बोल रहा है कि छोड़ के जब मैंने कॉल दी थी शटअप। ना छीन सकती मैं ना तेरी ना ही तेरी लकब। अवाम दे चुकी है फखरे बिंडी का ही लकब। मैं नहीं रस पर मिलियंस में होंगे व्यूज भी, हर दिन होगा वीकेंड, हर दिन चलनी पूज भी। वन ऑफ अ काइंड में मुझसा ना और कोई, पिच यू आर टेम्प्ट कंट्रोल करेगा ब्लूज नहीं। हर हरकत पे नजर भाई रखी है ईगल आई, सदर खार खाता घुमाते जब हम ईगल आई अंडरग्राउंड रहता। इतने वर्ड प्लेज है ना जिसकी को याद नहीं इसके अंदर, मैं 2-3 पकड़ पाया, काफी ज्यादा मैंने मिस कर दी। धंधे इलीगल भाई मेरे गाने दवा, तेरे टाइम पास उमीगल भाई। मेरा चैनल सोल पर बीफ चाहिए तो बोल, हो जानी वापसी जो डिस तूने किया वंस मोर। तेरा गला दुख हो जानी बोल, चाहिए डीप थ्रोट मुझसे बचने का भड़वे। कोई ना चीट कोड कॉल पे ये चुप और ट्रैक पे करे पक पक। मेरा चैनल सोल कॉल पे ये चुप ट्रैक पे करेंगे पक पक। पर बीफ चाहिए तो बोल, हो जानी वापसी जो डिस तूने किया वंस मोर। तेरा गला दुख खोल जानी बोल, चाहिए डीप थ्रोट मुझसे बचने का भड़वे। कोई ना चीट कोड कॉल पे ये चुप और ट्रैक पे करे पक पक। ए
दिनेश पीछे लगाया, मैं पहले सोच रहा था इसने शायद बोल जानी बोल जानी। अरे बोल जानी कहेगा पप्पा मेरे पप्पा। अरे मेरा चैनल सोल पर बीफ चाहिए तो बोल हो जानी वापसी, जो डिस तूने किया मुझसे बचने का भड़वे कोई ना चीट कोड। कॉल पे ये चुप और ट्रैक पे करे पक पक, रात है महफूज पहले लेकिन जानी कब तक। तेरी बंदी तक तो तेरी बातें नहीं सुनती, सेट टू हियर तेरा पैच अपना हुआ अब तक। किसकी बच्ची छोड़ के गई थी? आई थिंक वैसे तो सबकी छोड़ के गई है मुझे पता चला, लेकिन उमर अंजुम का बहुत ज़्यादा रोल रहा। अब मुझे पता भी नहीं था इन चीज़ों में, मैं घुसता नहीं हूँ स्पेशली लोग अतला अंजुम की, और उसके मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है इन लोगों, क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता भाई। मैं आर्टिस्ट को सुनने आया हूँ, किसी की औरत की देखने नहीं आया मैं। चूत का खेल है भैन, चूत चाहिए भैन, चूत चाहिए। खैर विद ड्यू रिस्पेक्ट वो थी ना मोमना, नहीं मोमी मोमन कोकोमो जिसको बोला था ना वो एनकली, जो मियां खलीफा टाइप लगती है, मतलब कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है बट हाँ। तगड़ा हूँ शिकारी में बोल मुझे फ्रेड बियर मूड थे पेंट में, जब तू इन्हें डेथ स्टेयर फैंस के प्यार पे ही ज्यादा मेरा फोकस, हेट कमेंट की मैं करता हूँ लेस केयर। तेरे गानों पे हंसते हैं सारे पंजाबी मैड लिप्स, मुझ बिन सीने अधूरा जैसे गाने बिना एड लिप्स। तबाही मचाते जब पैन करे इनके डेड लिफ्ट, इनकी जिंदगी में भर दूं अंधेरा हैवी डेड लिफ्ट। कोई भी ना सगा तभी हर पोस्ट में अलोन दिखूं, उमदा तोहफा दे कोई भी सगा नहीं हर पोस्ट में अलोन अलोन। जब नशे में सॉन्ग लिखूं इनको और मेरा तो पंता नहीं है मुकाबला, तभी मैं इन्हें चिंपैंजी और खुद को किंग कॉन्ग लिखूं। ये फादर ने लिखी थी ना कहीं पे बात चिंपैंजी और किंग कॉन्ग का, आई थिंक किसी गाने में थी मुझे याद पड़ रहा है। उम्दा तोहफा देता जब नशे में सॉन्ग लिखूं इनको और मेरा तो पंता नहीं है मुकाबला, तभी मैं इन्हें चिंपैंजी और खुद को किंग कॉन्ग लिखूं। I hope सिन्ना ये करेगा तू दोबारा, It's all your fault तू ही बार बार है चबारा। तू पूछे कौन है तू, मैं तेरी मौत हूँ, मैंने आ जाना मुझे पुकारी ना दोबारा। माउट अरे again says to my pen address every address every disrespect that way. कार्ड नहीं आता हाथ मेरा फ्लो जैसे आँख में आया हूँ लड़ने, हम कलाम मैं सरे आम मैं बादलों की ऊंचाई चरण, इंसान मेरी पहचान मैं देता ज्ञान तू आजा पढ़ने, मेजबान तू मेहमान तेरा इंतजाम मैं आया कर, तुम माई उठा के हम खुद कमा के तुम बने बनाए हम खुद बना के तुम जीरो स्किल तुम नील बटा नील हम करें जब रिश्ता करते गिल yeah. हमने निभाई है सबसे मतलब निकाले किसी भी रिश्ते में, सबको खिलाया है हाथों से फिर भी गिले आए हैं हिस्से में, मैं बदनाम हूँ किस्सों में मैं थोड़ी अगली नशिस्तों में, मेरे जो आए मैदान में मारता कम ज्यादा घसीटू मैं, तेरे तो बाप ने टिके तो क्यों बेटा आया मैदान में आगे, तेरे जैसे को कुत्ता बनाया है जहाँ हम जाएं वहाँ से भागे, तेरे तो कसम भी कोटे हैं नाव को बैठ के जोर हाँ जाके, मेरे बेटे एडल पिन बात तो दूंगा कान के नीचे बजा के। तुम पागल हो हम बादल हैं, हम बरसे खुल के हम कातिल हैं, तुम नूब हो हम मायर हैं, तुम मरोगे बेटा अब जाहिर है, ये बार से हल्की पर कैर है लिखा ही नहीं बेटा ये जहर है, अभी किया हुआ थोड़ा रैम है तुम माई पे कातिल ये वैम है, हमले कलम करते बस हम तेरे जैसे कितने डुबाए हैं, केडियर हैं चौदह तुम जैसे कितने उंगली। बड़े हुए हम स्ट्रगल पूरी कर आए हैं, वो चाल चलते हैं साइड हो के बच्चों को बेचे हो तो पीछे हो गए, वो माफी मांगे फिर रोज रो के हम पीछे पड़ते जब हाथ धो के, शहीन की तरह सीधा मुंह पे आते ना पीठ पीछे हम वार करते, जो दिल दुखाए उसे माफ करते ना उनसे शिकवे हजार करते, जो करे उंगल हम अंदर गुस्से हम उससे सीधा दो चार करते, जो साथ खा के भी चेत करे हम मुड़ के उनसे नहीं बात करते, साढ़े को तेरे बेटे भी डरते ने साढ़े ना पंगा दे चंगा नहीं, लोगों के फैन से नचन वाले कहते बंदे का काम भी चंगा नहीं, तेरे
सो बेसिकली फादी जा रहा है इस मुल्क को छोड़कर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है भाई यहाँ पे, कितना 20,000 रुपया 25,000 रुपया मिल जाएगा, तो भाई बाहर भागो, बाहर भागो भाई, बाहर भागो। खैर रोटी कमाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है भाई, सिंपल एज दैट। खैर मुझे पहले तो मैं बोल दूँ बॉबी राजा में, बॉबी राजा के पंजाबी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अगर देखा जाए उर्दू से ज़्यादा पंजाबी इस पर अच्छी लगती है। सो यार ये पता नहीं यार, मैं नहीं समझता कि फादी को छोड़ना चाहिए रैप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस तरह तो वो छोड़ लेते रहेंगे भाई, सीधी सीधी बात है, क्योंकि उनको मौका भी तो फादी नहीं दिया, फादी ने ही मौका दिया उनको ऐसा, तो लोगों ने करना शुरू कर दिया और वो फैक्ट्स भी बनने शुरू हो गए कि हमने, मतलब एक क्लेम आ गया ना कि फादी को हमने रैप से बाहर कर दिया, क्योंकि फादी ने खुद ही बोला था कि मुझे व्यू और इस तरह की चीज़ नहीं आ रही। तो जाहिर बात है वो अपने ऊपर इस चीज़ को क्लेम और एक क्या कहेंगे हम, इस तरह हम बोल सकते हैं कि भाई हमारी वजह से वो छोड़ गया क्योंकि हमने व्यूज लेना शुरू कर दिया और ये करना शुरू कर दिया और ब्ला 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 ब्ला। और फादी उसको क्लियर करने आया था कि तुम्हें पीछे से हाई मिल रही है इसलिए तुम लोग ज्यादा शोखे हो रहे हो, लेकिन कब तक, कब तक, जब तक है जाओ, जब तक है जाओ, अंजलि तेरी माँ की। तो बोला सी लेकिन फादी को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो उस मुल्क में चला जाए या इस मुल्क में, पता क्या हर महीने ऑडियो गाना फेंकना चाहिए। और आई होप कि जिस मुल्क में भी जाएगा, क्योंकि डॉलर 300 का माशाल्लाह से हो चुका है, ब्लेसिंग ब्लेसिंग, आप एक डॉलर कमाओ 300 रुपया भी जेब, तो वो जब बाहर जाएगा तो जहाँ भी जाएगा इसको ओबियसली मैं सोच रहा हूँ कतर चला जाए, उधर का मिलेगा नहीं। खैर जिधर भी जाएगा इसको करेंसी वाइज फ़र्क पड़ जाएगा, तो वो अपना फन पैसा जाहिर बात है, बातें खाली तालियों से तो घर चलता नहीं है, सिंपल एज दैट भाई, तुम्हें कमाना पड़ता है और नहीं कमाओगे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें गालियाँ देते हैं, ये कड़वा सच है बट बड़वा सच है। तो मैं चाहता हूँ कि वो उससे फिर बैक टू बैक ट्रैक निकाले, क्योंकि एक बंदे ने अगर 1,00,000 सब्सक्राइबर बना लिया और बीच में छोड़ के चला गया, उसके काफ़ी गाने हिट हैं ब्रो, अभी पिंडी बॉयज़ का सीन ही नोया हुआ है, जो वो पिंडी जो एक आई थिंक लेबल मैं कहूँ उसको, क्या बोलूँ, गैंग बोलूँ, जो भी बोलूँ, वो कर रहे हैं, तो मुझे फिर भी स्टिल अभी फादी को ही किंग माना जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि वो उसकी अप्रोच ख़त्म हो जाए। तो फादी को चाहिए कि गाने फेंकता रहे और ये इसको फ़ायदा देंगे बहुत ज़्यादा, वो बाहर अगर जा रहा है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि पैसा इसके पास आएगा तो गाने इजीली बन सकते हैं, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि फादी गेम के अंदर रहें, इसमें गाने में काफ़ी वर्ड प्लेज हैं जो मैं मिस कर बैठा हूँ, बट कोई मसला नहीं है क्योंकि मैं कोई ब्रेक डाउन चैनल नहीं हूँ। सो स्टार्ट मिलता हूँ लोगों किसी अगले वीडियो पे, खुश रहें, आबाद रहें, और मेरी यही ख्वाहिश है कि फादी गेम के अंदर ही रहे, ऐसे बार बार आएगा तो अगेन उनको कोई ना कोई, ब्रो ये इंटरनेट है यहाँ पे कोई ना कोई ट्रोलिंग सिस्टम बन जाता है, कुछ ना कुछ वो पकड़ लेंगे, जब वो पकड़ लेंगे तो वो गेम ख़राब हो जाएगा, तो एटलीस्ट इसको गाने बनाने चाहिए भाई, वो चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए, ये मेरा जाती मानना है, बाकी उसकी मर्जी है। मिलता हूँ लोगों किसी अगले वीडियो पे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, तब तक के लिए बाबा जी यस कमांडो।